Morning students, I hope you will find today continue chapter 8 start करेंगे. Let's start the chapter 8 cleanliness rounding है ना. I hope you have be completed your homework. Okay, चलिए start करते हैं हम cleanliness of our houses. ठीक है, हम अपने घर को कैसे साफ सुथरा रखते हैं. अभी तक हम लोगों ने एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं. ओके, कि क्या क्या कुछ पॉइंट्स हैं आपको हमेशा उसको लर्न रखना है. ओके, फॉर एग्जांपल, कीप द थिंग इन द प्रॉपर प्लेसेस आफ्टर यूज. यूज योर डस्टबिन फॉर थ्रोइंग गार्बेज और रबिश. हमें अपनी एक तो क्या करना है, जैसे आप लोग घर जाते हो तो अपनी चीज़ों को अपनी प्रॉपर प्लेस पे रखनी चाहिए. ओके, ये आपकी गुड हैबिट्स होती हैं अगर आप सही तरीके से अपनी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं. एंड यूज अ डस्टबिन और थ्रोइंग द गार्बेज एंड द रबिश. ठीक है, और हम कुछ भी अपने घर पे या बाहर कुछ देखते हैं तो उसको हमें जो भी गार्बेज है या रबिश वगैरह है, पेपर्स वगैरह हैं कुछ भी, तो उसको हमेशा हमें डस्टबिन में डालना चाहिए. ओके, स्वीप द रूम्स एंड हैग द रूम या मोप और रेगुलरली. अगर आपको अपने रूम या अपना क्लास गंदा लगता है तो आप अपनी बाईजी से कह सकते हैं, जैसे स्कूल में कि भाई हमारा रूम गंदा रखा है, अनटाइडी रखा है, तो आप उनको कह सकते हैं कि हमारे रूम में मॉप कर दीजिए या झाड़ू लगवाने का है, जैसे है ना ग्रूम करवाना है, तो आप अपनी उनको मेड को कह सकते हैं. ओके, और अगर आप घर पे हैं तो घर का काम तो आप भी कर सकते हैं ना. एवरी लुक द कॉर्नर ऑफ द हाउस शुड बी क्लीन, है ना. हमें अपने घर में एंड स्कूल में भी वॉश करना चाहिए कि अगर हमारे कहीं पे कॉर्नर पे कुछ गंदगी फैली हुई है ना, तो आप उसको साफ करने के लिए कह सकते हैं. अदरवाइज आपका घर या आपका क्लासरूम गंदा दिखेगा तो आपको कोई भी कह सकता है कि आपको ये कचरा दिखाई दे रहा है तो उसको आप डस्टबिन में क्यों नहीं डलवाते हो. ओके, तो जैसे आप घर पे देखते हैं कि द कर्टेंस ऑफ द हाउस मस्ट बी वॉश रेगुलरली. बच्चे क्या करते हैं कि अपने हैंड वॉश किससे करते हैं, टॉवल ना करके ये लोग अपना कर्टेंस वगैरह है या बेडशीट वगैरह है उससे अपने हैंड वॉश करते हैं, तो ये बैड हैबिट होती है ना. इसी प्रकार से जैसे आप लोग द हाउस कैप द फ्रॉम द फ्लाई मॉस्किटो कॉकरोच एंड अदर इंसेक्ट्स फॉर दिस द रेगुलरली स्प्रे एंड इंसेक्टिसाइड टू शुड बी अ मेड डेट टेस्ट शुड बी यूज टू रिमूव द रेट्स, है ना. अब हमारे घर पे जैसे कुछ भी कॉकरोच वगैरह हैं या मॉस्किटोज वगैरह हैं तो हमें इसके लिए भी हमेशा स्प्रे करता रहना चाहिए. जो भी है जैसे रेड ट्रैप है, रेड है उसको भी हमें ट्रैप करना चाहिए. ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं. हम अ क्लीननेस ऑफ द सराउंडिंग, हमारे घर के आसपास जो है साफ सुथरा कैसा रहना चाहिए, है ना. हमारा जो एटमोसफियर है उसको साफ सुथरा रखना चाहिए. फॉर अ क्लीन हाउस इट्स सराउंडिंग शुड ऑल्सो बी क्लीन. वी शुड फॉलो दीज स्टेप्स कीप आवर सराउंडिंग क्लीन. ठीक है, ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स इन द सराउंडिंग, प्लांट मेक द एयर फ्रेश एंड द क्लीन. अब आप देखिए कि हम फॉर अ क्लीन हाउस एंड सराउंडिंग शुड बी ऑल्सो क्लीन. हमारा घर प्लस हमारा आसपास का जो वातावरण है वो ही साफ सुथरा नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमारा जो एटमोसफेयर है उसके लिए भी हमें वी शुड फॉलो दीज स्टेप टू कीप आवर द सराउंडिंग क्लीन. हमें क्या क्या करना चाहिए उसको एटमोसफेयर को हमारा फ्रेश रखने के लिए, है ना. जैसे मोर एंड मोर ग्रो द प्लांट्स, हमें बहुत सारे से प्लांट्स लगाने चाहिए अपने आसपास जो हमारा एरिया है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, है ना. इन द सराउंडिंग एरिया प्लांट मेक द एयर फ्रेश एंड क्लीन. क्यों, क्योंकि प्लांट से हमें एयर फ्रेश मिलता है बिल्कुल, है ना. मॉर्निंग के समय हमें एयर फ्रेश जो है बिल्कुल अच्छा स्वच्छ वातावरण मिलता है हमें, ना. हम अगर वॉक करके आते हैं तो पेड़ों की जो एयर है, पेड़ों से जो हमें मिल रही है वो बहुत ही फ्रेश होती है. ओके, नेवर थ्रो द गार्बेज हियर एंड देयर, कलेक्ट द गार्बेज एंड डंप इट इन अ पिट, थ्रो देन कवर द पिट विद अ सॉइल. अब आप देखिए इस पिक्चर में, देखिए आप पहले कि कैसे प्लांट्स वगैरह, बच्चे देखिए स्कूल के बच्चे दिखाई दे रहे हैं आपको, सब यूनिफॉर्म में हैं और सब प्लांट्स वगैरह गार्डन वगैरह साफ कर रहे हैं, अपना स्कूल का गार्डन साफ कर रहे हैं, तो उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है. अगर आपको गार्बेज कहीं नज़र आता है स्कूल गार्डन वगैरह में तो आपको फौरन उसके उठा करके डस्टबिन में डालना चाहिए. देख रहे हैं आप पिक्चर्स, नेक्स्ट पिक्चर देखिए. अभी जैसे कई लोग क्या करते हैं, पिकनिक वगैरह जाते हैं ना, कहीं पे भी पिकनिक वगैरह मनाते हैं तो वहाँ पे ये लोग जितना अपना एंजॉय करते हैं और फिर बाद में जितना भी गार्बेज वगैरह रहता है वहाँ पे छोड़ करके आ जाते हैं.
तो ये नहीं होना चाहिए। हमें अपना गार्बेज वगैरह जितना भी हम लोगों ने वहाँ पे फैलाया वहाँ पे, तो वो हमें उठा के एक डस्टबिन में डालना चाहिए या फिर किसी उसमें डंप कर देना चाहिए, है ना, सॉइल के नीचे। ओके, ये देखिए आप पिक्चर में, है ना, इनको बच्चों को देखे बॉटल्स प्लास्टिक बॉटलें वगैरह पड़ी रहती है उधर, तो उनको भी डस्टबिन में डाल देंगे लोग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ओके, आई नेवर थ्रो द गार्बेज हेयर एंड देयर, कलेक्ट द गार्बेज एंड डंप इट इन अ पिट, देन द कवर द पिट विद सॉइल। अब आप देखिए कहीं भी आपको आसपास में कहीं भी कोई भी गार्बेज वगैरह दिखाई देता है, या तो आप उसे उसमें डालिए, डस्टबिन डालिए, या फिर डंप इट करिए उसको, और उसको सॉइल से उसे ढक देना चाहिए ताकि उसमें मक्खी मच्छर वगैरह ना बैठने लग पाए, है ना। देन कवर पिट विद द सॉइल, या तो उसको मिट्टी से ढक दें आप, है ना। दिस गार्बेज इन सम डे विल टर्न इन टू द मैनर्स, या आपके मैनर्स कहलाते हैं। अगर आप इस टाइप से करते हैं तो सामने वाला कोई आपको देखता है तो कहता है कि हाँ वाकई इस बच्चे में कितना एडिकेट से, कितना मैनर्स है, है ना। तो वी कैन ऑल्सो गिव द कलेक्ट गार्बेज टू द म्यूनसिपैलिटी व्हीकल्स, या फिर हमें क्या करना चाहिए कि हम उसको इकट्ठा करके रखें और जैसे म्यूनसिपैलिटी की जो गाड़ियाँ जाती हैं आप उसमें उसको गार्बेज को उस व्हीकल्स के अंदर डाल दें, है ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आप, सीट एट द स्ट्रीट एंड क्लीन, इफ नॉट आस्क द स्वीपर्स टू डू सो, डू नॉट स्प्रिट इन द स्ट्रीट्स, ऑल्सो डू नॉट अलाउ द एनीबॉडी टू डू सो, डू नॉट अलाउ द वाटर टू स्टैंड एनीवेयर, फिल द डिच विद सैंड, ऑल द ड्रेन शुड बी कवर्ड। अब आप देखिए इधर कि हम लोग क्या देखते हैं कि स्ट्रीट्स में कई लोग क्या करते हैं, खाते खाते कुछ भी कोई चीज़ खा रहे हैं उसको सड़क पे फेंकते हुए चले आते हैं, एंड या फिर क्या करते हैं वो लोग जलते हुए इधर उधर थूकते हुए जाते हैं, है ना, स्प्रिट करते हुए जाते हैं, ऑल्सो डू नॉट अलाउ एनी बॉडी टू सो, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। डू नॉट अलाउ द वाटर टू स्टैंड एनी वेयर, और हमें कहीं पर भी पानी या थूकना इधर उधर नहीं चाहिए ना सड़क पर। फिल द डिस विद द सैंड, ऑल द ड्रेन शुड बी कवर्ड। हम अगर कुछ भी अगर कोई चीज़ फेंक रहे हैं, कोई खाना है, कोई जूठा वगैरह कुछ है, तो उसे हमें हमेशा सैंड के नीचे डालना चाहिए, सैंड उसके ऊपर से हमें सैंड डाल देना चाहिए। अगर बाय द वे आपको कोई वॉमिट वगैरह हो रही है, चलते चलते कुछ हो रहा है, तो हमेशा अगर वॉमिट किया है तो आप फौरन उसको सैंड से ढक देना चाहिए। ओके, आगे देखिए, डस इफ वी फॉलो ऑल द अबव मेजर वी विल फाइंड क्लीन सराउंडिंग ऑल अराउंड। अब आप देखिए कि हम लोग कई बार ऑब्जर्व करते हैं क्या कि सड़क पे चलते चलते कई लोग आपने देखा होगा कि कई लोग जिसे खाते खाते जो रैपर्स वगैरह हैं, बिस्किट्स खाएं या फिर आपने चिप्स वगैरह कुछ खाया उसको उड़ाते हुए चलते हैं सड़क पे, है ना। आप ये नहीं देखते दिन रात जिसे स्वीपर्स वगैरह हैं, जो हमारे जो मेड वगैरह हैं बाहर सड़क वगैरह पे जो काम करती हैं, वो बेचारी दिन रात मेहनत करती हैं, आप उसकी मेहनत को 2 मिनट में ख़राब कर देते हो। तो यानी अगर आपको कुछ खाना है तो साइड में उनके डस्टबिन लगे रहते हैं, या तो आप उसमें डालिए, है ना। ये लोग भी तो कितना दिन रात सुबह भी आते हैं, शाम भी आते हैं, पूरा सड़क वगैरह साफ करते हैं, तो किसके लिए कर रहे हैं, आप लोगों के लिए करते हैं ना। तो आप उसको जब भी आप जैसे कहीं पर देखते हैं तो उसको उस रूल को फॉलो करिए आप लोग, है ना, हमेशा उसको डस्टबिन में डालिए आप। आगे देखिए, इधर पिक्चर देखिए आप, देखिए कितना ग्रीनरी है, बच्चे कैसे मतलब सफाई कर रहे हैं सड़क पे भी। इधर देखिए आप नीचे, है ना, सड़क के किनारे पे जितना भी कोई घास फूस जम रही है या डस्टबिन वगैरह, तो एक बड़ा सा कैरी बैग लेकर के उसके अंदर ये लोग इकट्ठा कर रहे हैं, है ना, और साथ में प्लांटिंग कर रहे हैं साथ साथ में। देखिए आप आगे देखिए इधर, अभी ये लोग साइड में नदी किनारे जैसे कहीं भी जा रहे हैं, कहीं पे कोई पॉन्ड वगैरह है तो वहाँ पे भी ये लोग एक बड़े से कैरी बैग में सारे वहाँ पे जितने भी आपके चिप्स के पैकेट्स वगैरह हैं, रैपर्स वगैरह हैं, कुछ भी चीज़ है पॉलिथीन वगैरह, सब उठा करके एक बड़े से कैरी बैग में इकट्ठा कर रहे हैं, फिर ये उसको डंप करके आएंगे या फिर किसी बड़े म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी में उसमें डाल के आएंगे, है ना। आगे देखिए अभी पिक्चर्स, ठीक है, इन पिक्चर्स से तो आपको समझ में आ रहा है ना कि कैसे कैसे ये लोग कर रहे हैं प्लांटिंग कर रहे हैं। देखिए आप, फिर म्यूनसिपैलिटी उनको पानी वगैरह डालती है पौधों में, है ना, प्लांट्स हैं, ठीक है। चलिए अब आगे,
तो इसलिए इसी जैसे हम लोगों को अपना सराउंडिंग एरिया है वो हमें हमें साफ सुथरा रखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्लांट्स लगाने चाहिए ताकि हमें फ्रेश एयर मिल सके। ओके, अब आप देखिए रीजन टाइम देखिए, अ हेल्दी बॉडी रिक्वायर्स क्लीन एंड हाइजीनिक सराउंडिंग। हमारे को अगर अपने स्वस्थ बॉडी चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने आप को हाइजीनिक रखना चाहिए, है ना। हमारा एरिया हाइजीनिक होना चाहिए, हमारे चारों तरफ जो एरिया है कहीं पे भी कोई, अभी जैसे कितनी महामारी चल रही है, द कोरोना का इतना चल रहा है, बार बार मोदी जी भी समझा रहे हैं कि हमें जितना हो सके हाइजीनिक रहना है, अपने हाथ को बार बार वॉश करना है, सैनिटाइज करना है बार बार अपने हाथों को, है ना, और मुँह पे हमेशा मास्क रख के आप लोगों को ये जो डिजीज चल रही है उससे वो आपको छू ना सके। ओके, एवरीथिंग इन द हाउस कैप्ट इन इट प्रॉपर प्लेस गिव्स द हाउस अ नाइस लुक। अब आप अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको रिवाइज करवाया था कि हमें अपनी कोई भी चीज़ें हैं, हमारी कुछ भी हमारी जो काम वाली चीज़ें हैं, हमेशा उसको प्रॉपर प्लेस पे रखना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि घर गए स्कूल से सीधा बैग इधर, जूते कहीं और, अपनी बुक्स कहीं और, पूरा बेडरूम हो, बेडरूम में आप पूरा सब कुछ फैला दो। फिर क्या होता है, कभी बाय द वे आपके कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो क्या देखते हैं, आपका अनटाइडी रूम देखते हो, है ना। फिर उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है कि इनका घर कितना बिखरा हुआ रहता है। तो आप अपनी पेरेंट्स के ऐसे हेल्प कर सकते हो ना, उनको आप ये सब चीज़ें अपने प्रॉपर प्लेस में रख करके उनका काम आधा कम कर सकते हो, है ना। अ नीट एंड क्लीन हाउस इज अ हेल्दी प्लेस फॉर अ लिविंग। अब आप देखिए कि अगर आपका हाउस क्लीन रहेगा, साफ सुथरा रहेगा, तो वो एक आपका हेल्दी हाउस रहेगा, आप भी आप उसमें हेल्दी रहेंगे, रहने का आपका मन करेगा। अदरवाइज वहाँ पे सारे इंसेक्ट्स वगैरह घूमते नजर आएंगे और आप अनहेल्दी हो सकते हो, आप बीमार पड़ सकते हो उसमें, है ना। फॉर ए क्लीन हाउस एयर सराउंडिंग शुड बी ऑल्सो क्लीन। अगर हमारा हाउस क्लीन है तो हमारे आसपास का एरिया भी हमें क्लीन रहेगा और हम हेल्दी रहेंगे। ओके, क्लीन हाउस एंड क्लीन सराउंडिंग एंजॉय हेल्दी लिविंग। यानी अगर हमारा एटमोसफियर और हमारा रूम, हमारा जो घर है वो अगर हमारा क्लीन है और इससे हम हेल्दी और सराउंडिंग क्लीन रहेगा तो एंश्योर है कि आप भी हेल्दी रहेंगे, है ना, आपको कोई डिजीज नहीं हो सकती है। ओके, हाँ, तो स्टूडेंट्स अब हमें कुछ मेन मेन पॉइंट्स हैं वो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए और अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, अपना एटमोसफियर है वहाँ का उसको क्लीन रखना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एवरीथिंग इन द हाउस केप्ट इन अ प्रॉपर प्लेस गिव्स द हाउस अ नाइस लुक। हमें अपनी चीज़ें अगर हम अपने स्थान पे रखेंगे, अपनी जगह पे रखेंगे तो हमारा हाउस बहुत देखने में सुंदर लगेगा, है ना। देखने आपको खुद को लगेगा कि आपका घर बहुत सुंदर लग रहा है अगर आप थोड़ा सा इन चीज़ों को फॉलो करोगे। ठीक है, प्लांट्स आर नॉन एज अ प्योरीफायर, यानी प्लांट्स हमेशा हमारे एयर को प्योरीफाई करते हैं, है ना। तो उसके लिए आप मोर एंड मोर प्लांट्स ग्रो करेंगे अपने आसपास, अपने घर के बाहर, अपने घर पे जैसे आप गमलों में प्लांट्स लगा सकते हैं तो आपको खुद को अच्छा लगेगा, रोज उसमें एक फ्लावर देखेंगे आप, है ना, निकलता हुआ उसमें ग्रो होता हुआ, तो आपको भी खुशी होगी कि आज इसमें प्लांट्स में हमारे यहाँ पे फ्लावर आ गया है उसमें। तो आप मोर से मोर प्लांट आप गमलों में लगाइए, घर के बाहर लगाइए, अपना सराउंडिंग एरिया अगर कच्चा है तो आप पापा से जिद करके प्लांट्स वहाँ पे ग्रो करिए। ओके, दिस गार्बेज इन सम डे विल टर्न इनटू अ मैनर। अगर आप गार्बेज वगैरह उठा के कहीं पे डालते हैं डस्टबिन वगैरह में तो आपका ये अच्छा मैनर्स दिखाएगा, है ना, कि ये बहुत गुड मैनर्स है ये। ओके, तो बच्चे इस चैप्टर को आप कंप्लीट करिएगा, रीड करिएगा और इसका पीडीएफ मैंने आपको सैटरडे को भेजा था, आपने आई होप कर लिया होगा उसको, है ना। ओके, थैंक यू।